नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जिलों में से एक मिर्जापुर की स्थापना अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा 17वीं शताब्दी में की गई। कुछ लोगों द्वारा यह भी बताया जाता है कि सन 1735 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कलकत्ता से दिल्ली तक तेजी से फैलने लगा था, तब इन्हें इस रास्ते के बीच में एक व्यापार केंद्र बनाने की आवश्यकता मालूम हुई तो अंग्रेजी हुकूमत ने गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों में गहन अध्ययन किया। इस दौरान उन्हें गंगा के किनारे पर स्थित विंध्याचल पर्वत का वह क्षेत्र भा गया और फिर लॉर्ड मर्क्यूरियस वेलेस्ले नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस शहर की स्थापना की और इसका नाम मिर्जापुर किया, जिसमें मिर्जा का अर्थ शाब्दिक अर्थ राजाओं का क्षेत्र रखा गया। इस शहर को मिर्जापुर भी कहा जाता है, जिसे मिर का शाब्दिक अर्थ लक्ष्मी भी कहा जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बसाए गए शहरों में मिर्जापुर को पहले स्थान पर रखा गया है। ऐतिहासिक और पौराणिक जनपद गिरिजापुर के प्राचीन गौरव की पुनः प्रतिष्ठा है। सांस्कृतिक दास्ता के प्रतीक मिर्जापुर के स्थान पर पुनः गिरिजापुर किए जाने एवं कंतित विजयपुर के अंतिम राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए योगदान को देखते हुए उनकी मूर्ति एवं शिलापट लगाए जाने की मांग की है। आइए सुनते हैं कि महंत योगानंद गिरि महाराज और वहां के स्थानीय क्या बता रहे हैं। आज जो ज्ञापन पत्र सौंपा गया उसका मुख्य बिंदु यह रहा कि गिरिजापुर के ऊपर कलंकित शब्द जो मिर्जापुर जोड़ा गया उसको समाप्त करने के लिए आज ज्ञापन दिया गया। जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, जो प्राचीन अहर्निशम इतिहास रहा हमारा, उसको लेकर के आज यहाँ पे जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया ताकि हमारे जनपद का नाम पुनः प्राचीन नाम गिरिजापुर हो सके। और इसी के लिए आज हम सभी लोग आए हैं। चूँकि गिरिजापुर हमारा स्वर्णिम अवसर था, उस समय हमारा यहाँ पे गिरिजापुर जो था एक स्वर्णिम महल के समान था, और जब से मिर्जापुर बना है तब से मैं देख रहा हूँ यहाँ का विकास पथ एकदम खत्म हो चुका है, विकास का रथ रुक चुका है। और यह मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस दिन गिरिजापुर होगा उस दिन पूर्ण रूप से यह पुनः स्वर्ण मंदिर एक महल के समान हो जाएगा। इसीलिए आज हम लोग गिरिजापुर नामकरण के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह गिरिजापुर काशी नरेश के द्वारा, विजयपुर नरेश के द्वारा ये बसाया हुआ नगर है। यह नगर अत्यंत प्राचीन है। यहाँ पे तमाम आताताइयों ने, आक्रांताओं ने कई बार इस नगर को विनष्ट किया और विनष्ट करने के साथ ही यहाँ पे इसका नाम मिर्जापुर रख दिया, जिसके तमाम इतिहास के पन्नों में ऐसे गवाह मौजूद हैं। आज स्वामी योगानंद गिरि जी के नेतृत्व में हम लोग आए हुए हैं और ये आपके जानकारी के लिए बता दें कि 7 बिंदु में ज्ञापन दिया गया है। पहला, ये मुगली नाम मिर्जापुर को हटा के गिरिजापुर करना, जैसा कि योगानंद जी ने आपको समझाया बताया। और दूसरा जो है, 1857 की जो महान क्रांति हुई थी मंगल पांडे द्वारा, उसमें हमारे मिर्जापुर के गौरा गांव का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, पूरे गौरा गांव को जला दिया गया था घेर के। तो उसके लिए हम लोग एक कीर्ति स्तंभ की मांग कर रहे हैं। प्रथम क्रांति थी, पूरे जनपद में ऐसा कभी हुआ नहीं था। और दूसरा, हम लोग जो एक ब्राह्मण का वध करके औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया था और उसी के बाद उसने मिर्जापुर नाम रखने का फरनाम जारी किया था, उस ब्राह्मण के, अज्ञात ब्राह्मण के याद में एक स्मृति चिन्ह कंतित के घाट पर बनवाया जाए, ये मांग है। उसके बाद गैपुरा चौराहे पर अपने जो हजारों साल से कंतित नरेशों की परम्परा चल रही है, उनके जो अंतिम राजा थे श्रीनिवास प्रसाद सिंह, इनकी नवनिर्मित जो मंच बनाए गैपुरा चौराहे पर उसकी एक आदमकद मूर्ति स्थापित की जाए। और बीएचयू साउथ कैंपस जो राजा बेणी माधव जी के दान दिए हुए 4000 बीघे पे विद्यमान है, उसको राजा श्रीनिवास सिंह दक्षिणी परिषद किया जाए, वहाँ उनकी एक आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। और जो अड़गड़ानंद जी का आश्रम है वो दक्षिणी किला हुआ करता था, पूर्वी दक्षिणी मिर्जापुर का राजा साहब का उप किला हुआ करता था, रानी साहब ने उसको एक फूल पे दान दिया था, तो वहाँ पे उनकी एक आदमकद प्रतिमा बना के एक शिलापट लगाया जाए, जिससे मिर्जापुर का जो प्राचीन गौरव है, जब से संवैधानिक लोकतंत्र लगा है अंग्रेजों का, उसके पहले का जो गौरव है, मिर्जापुर की सारी जनता उसका आभास कर सके।
और उस पर गौरवान्वित हो सके। जो पंच प्रण में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आप लोगों को याद होगा कि जो अमृत काल चल रहा है, महोत्सव चल रहा है स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ पे, मोदी जी ने कहा था कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है और गुलामी के जितने चिन्ह हैं उसको मिटा देना है। इसी क्रम में मिर्जापुर की ये सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक मांग है 5-6 बिंदुओं की, और ये गयपुरा चौराहे का नाम भी श्रीनिवास सिंह चौराहा होना चाहिए, राजा विजयपुर चौराहा होना चाहिए। इन्हीं सब मांगों के लिए हम लोग जो है अपने योगानंद स्वामी जी के नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं, और माँ गंगा, माँ विंध्यवासिनी, माँ पार्वती और वृद्धेश्वर नाथ, जिसको आज हम लोग बूढ़े नाथ कहते हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग निश्चित ही सफल होंगे। आप लोग सब लोग मिलकर कामना करिए। जय हिंद, जय भारत।